डबोई नगर पालिका द्वारा लगातार तीसरे दिन पर भी अवैध अतिक्रमण दूर करने के लिए कामगिरी जारी की गई। डबोई नगर पालिका द्वारा लगातार तीसरे दिन पर भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लाल आंख करते हुए ये अभियान को और भी कड़ा बनाते हुए अतिक्रमण बढ़ाकर बैठे वैसे तमाम मालिकों में एक घबराहट का माहौल पैदा हुआ है। डबोई के विधायक शैलेश मेहता द्वारा चुनावी वक्त ही तमाम अवैध अतिक्रमण को दूर करने के लिए चेतावनी दी थी, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार तीसरे दिन पर भी ये कामगिरी जारी करते हुए आज भी तीसरे दिन लगातार डबोई के हीरा भागोर, नांदोली भागोर सहित अनेक विस्तारों में गैर कानूनन बिन अधिकृत अतिक्रमण डारी गल्ला को दूर किया गया। पुलिस तथा अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा स्वयंभू ये तमाम कामगिरी जारी करते हुए डबोई नगर में फिलहाल काफी अतिक्रमण बढ़ाकर बैठे वैसे मालिकों में एक घबराहट का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में नगर के अलग अलग विस्तारों में बिन बारिश हालत में पड़े रहे वैसे लारी गल्ला को दूर करने के लिए भी तथा ये तमाम अतिक्रमण रोड रास्ते में ट्रैफिक की समस्या पैदा करते होने के कारण डबोई नगर पालिका द्वारा तमाम को जब्त करने के साथ रोड लाइन खुली की गयी थी। डबोई नगर पालिका द्वारा रोड रस्ता गैरकायदेसर बांधकामो दूर करने की कामगिरी छेल्ला 3 दिवस थी हाथ धरेल छे, जेनी अंदर लोको द्वारा खूब सहकार आपवामां आवेलो छे। जेटला पण रोड मार्जिन नी अंदर लारी गल्ला वाला लोको हता, स्वयंभू रीते पोताए पोताना दबाणो हटावी दीधेला छे अने खूब सारी कामगीरी करी अने नगरपालिका द्वारा रोड रस्ताना मार्जिन नी जग्याओ खुल्ली करवामां आवेली छे। नगरजनोने मारी विनंती छे के नगरमां पण जेटला पण रोड रस्ताना दबाणो छे ए पोते स्वयंभू रीते दूर करे, अन्यथा नगरपालिका आ सेकंड फेज में आ कामगीरी हाथ धरशे अने जेमां नगरनी अंदरना पण जे रोड रस्ता पर दबाणो छे એ દૂર કરવાની કામગીરી નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવશે, સાથે સાથે સરકાર દ્વારા ઇમ્પેક્ટનો કાયદો પણ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે। તો હું નગરજનોને એ પણ વિનંતી કરીશ કે જેટલો લીગલાઇઝ થઈ શકે એવી જગ્યાઓ છે એની ઇમ્પેક્ટમાં ફાઇલ મૂકી અને કાયદેસર કરાવવા માટે પણ હું આપ નગરજનોને આહવાન કરું છું। આપણે જે મોટી મોટી શોપિંગ જે બની છે એની પાર્કિંગની જગ્યા બહાર બનાવી એનું શું કહેવાય? જે કોઈ એ રોડ માર્જિનની જગ્યાઓની અંદર જો પાર્કિંગ માટે નગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા એની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને ચકાસણી કરીને જો એ ખરેખર ગેરકાયદેસર હશે તો એ બધું દૂર કરવામાં આવશે।